हेलो एवरीवन, आप लोग का हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, एक किर्लोस्कर की डीजी है और इसका कंप्लेन है कि जब डीजी को स्टार्ट किया जाता है तो 10 सेकंड के अंदर बंद हो जाती है। तो चलिए एक बार हम स्टार्ट करके देख लेते हैं कि डीजी 10 सेकंड के अंदर बंद हो रही है कि नहीं हो रही है। तो चलिए कंट्रोलर को ऑन कर लेते हैं। तो देखिए कंट्रोलर ऑन चुका है और चलिए एक बार स्टार्ट करके देख लेते हैं कि डीजी 10 सेकंड के अंदर बंद हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर जो हो भी रही है तो क्या रीज़न है जिसके चलते 10 सेकंड के अंदर बंद हो जा रही है। तो देखिए डीजी स्टार्ट हो चुकी है और सेफ्टी मॉनिटरिंग जो लिखा हुआ है दोस्तों, उसके सामने सेकंड चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं। और जैसे सेकंड ख़त्म हो जाएगा उसके बाद से पता चलेगा कि क्या रीज़न है, क्या सिग्नल दे रहा है जिसके चलते डीजी 10 सेकंड के अंदर बंद हो जा रही है। तो देख सकते हैं दोस्तों, अंडर स्पीड का सिग्नल दिया और डीजी बंद हो गई। तो यही रीज़न है दोस्तों जिसके चलते डीजी बंद हो जा रही है अंडर स्पीड का सिग्नल देकर। तो चलिए जो स्टॉपर का वायर है उसको निकाल देते हैं और फिर डीजी को स्टार्ट करके देखते हैं कि किस रीजन से अंडर स्पीड का सिग्नल दे रहा है और डीजी बंद हो जा रही है। क्योंकि दोस्तों 10 सेकंड के अंदर डीजी बंद हो जा रही है, इसलिए हम चेक नहीं कर पा रहे हैं कि किस वजह से अंडर स्पीड का सिग्नल दे रहा है और डीजी बंद हो जा रही है। तो स्टॉपर का वायर निकाल देंगे दोस्तों तो डीजी बंद नहीं होगी और हम आसानी से चेक कर सकते हैं कि किस रीजन से अंडर स्पीड का सिग्नल दे रहा है और डीजी बंद हो जा रही है। तो चलिए एक बार कंट्रोलर को ऑफ कर लेते हैं और फिर ऑन करके स्टार्ट करके देखते हैं कि किस रीजन से अंडर स्पीड का सिग्नल दे रहा है। तो वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों ताकि आप लोग को पूरी जानकारी मिल सके। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप लोग को पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग के पास जाए और जिससे आप लोग का हेल्प हो। तो देख सकते हैं दोस्तों डीजी स्टार्ट है। तो जैसे ही सेकेंड ख़त्म हो जाएगा उसके बाद से सिग्नल दे देगा। तो देखिए सिग्नल दे दिया अंडर स्पीड का। तो चलिए इसको बैक करते हैं और जैसे ही बैक करेंगे फिर स्टॉप एक्शन आ जाएगा। तो देखिए स्टॉप एक्शन आ गया है, यानी अब ये फेल्ड होगा। भले डीजी रनिंग है लेकिन जो सिस्टम है वो बता रहा है कि डीजी स्टॉप हो रही है, जो कि हमारी डीजी रनिंग है क्योंकि मैंने स्टॉपर का वायर निकाल के रखा है दोस्तों। अगर स्टॉपर का वायर नहीं निकालता तो डीजी बंद हो गई होती। तो चलिए चेक कर लेते हैं कि क्या रीज़न है जिसके चलते अंडर स्पीड का प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आरपीएम शो नहीं कर रहा है, जो कि यहाँ पे 1500 प्लस आरपीएम शो करना चाहिए। तो जो इसका आरपीएम है दोस्तों वो एसी अल्टरनेटर से रिलेटेड है। अगर जो एसी अल्टरनेटर काम नहीं करेगा तो आरपीएम शो नहीं करेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों बैटरी वोल्टेज 14.21 वोल्टेज शो हो रहा है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों कि डीजी रनिंग है, क्योंकि अगर जो डीजी रनिंग नहीं रहती तो 14.21 वोल्टेज शो नहीं करता। और यहाँ पे एसी वोल्टेज भी शो नहीं हो रहा है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे एसी वोल्टेज शो होना चाहिए। और जो जनसेट आउटपुट वोल्टेज है दोस्तों, यहाँ पे वोल्टेज शो नहीं हो रहा है, ना एम्पियर शो हो रहा है। तो जो इसका एसी अल्टरनेटर है दोस्तों वो ख़राब है, इसलिए एसी वोल्टेज आउटपुट नहीं हो रहा है। तो ऑलरेडी मैंने पहले से चेक करके रखा है दोस्तों, जो इसका एसी अल्टरनेटर वो ख़राब है। अगर जो एबीआर का इशू रहेगा दोस्तों तब भी ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट होगा और डीजी अंडर स्पीड का सिग्नल देगी और 10 सेकंड के अंदर बंद हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।